हमारे घर सारे फैसले आनन फानन होते हैं। अभी फरी की शादी की तैयारी मुकम्मल नहीं हुई थी कि मोमिन की शादी का इरादा कर लिया। अम्मी क्यों टेंशन ले रही हैं आप, हो जाएंगी तैयारियां। वैसे भी अम्मी भाई की शादी की कौन सी कोई लंबी चौड़ी तैयारी होनी है, भाई सादगी पसंद है, सादगी से शादी करेंगे, देख लीजिएगा। वो करते ना सादगी, हम तो मुकम्मल तैयारी करेंगे, हमारा इकलौता भाई है। अच्छा अच्छा हो जाएगा, पहले आशी के माँ बाप को हाँ तो कर लेने दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। लगता है कोई खास बातें चल रही। अम्मी भाई को जरा गौर से देखे। क्या मतलब, क्या हुआ है? अरे देखे तो सही गौर से। क्या हुआ है? क्या हुआ, क्या है? मुझे तो नहीं समझ आ रही आप क्या दिखा रही हैं। क्या हुआ है, क्या देखूं, क्यों मेरा दिल दहला रही हो, बताओ मुझे क्या हुआ है? अरे अम्मी देखे कितना शानदार भाई है हमारा, पालक हालू तो क्या कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। जान निकाल दी मेरी। भाई आशीर्वाद जी से कहें कि अपना केस पक्का कर लें, ताकि इनकार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। मुझे जरूरत ही नहीं है उससे बात करने की, ये केस मैं वैसे ही जीता हूँ। खुशफहमी तो देख लो। खुशफहमी नहीं, खुद पर भरोसा है मेरे बच्चे को। अरे मेरा मोमिन इतना काबिल है, अच्छे अखलाक और मजबूत किरदार का मालिक है, ऐसे दामाद तो नसीब वालों को मिलते हैं। अम्मा मोमिन तो होता ही बाखलाक और बाकिरदार है, बस दुआ क्या करें कि उससे किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। बेटा अल्लाह का वादा है कि जो दूसरों की तकलीफ को दूर करता है अल्लाह मियां उनके लिए आसानियां पैदा करता है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम बाबा। अस्सलाम। आप कहां से आ रहे हैं? वो आसिम की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको मिलने के लिए गए थे। आसिम अंकल की फिर तबीयत खराब हो गई? हाँ। तो बिल्कुल अब्बा, बल्कि मैं चक्कर ही लगा लेता हूँ। हाँ। पापा जो बात आपने अम्मी से पूछी थी ना भाई के बारे में, पापा से भी पूछे ना। पापा भाई की तरफ गौर से देखे। फिर शुरू हो गई तुम, क्या हो रहा है मुझे भी तो बताओ कुछ। अरे मुझसे गलती हो गई, जो मैंने कहा कि रिश्ते की बात पहले आंसा और जमील से तो कर ले, वो हाँ करते भी हैं या नहीं, बस इन दोनों ने तो मेरा मजाक ही बना दिया। मोमिन को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया कि बताइए हमारे भाई में कोई कमी है कि वो लोग इनकार करेंगे। ये वैसे इसकी बात बिल्कुल वैलिड है, तुम जरा सीधे खड़े हो। क्या किया पापा मैंने? अरे क्यों तंग कर रहे हैं मेरे बेटे को? अच्छा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह हर एक को ऐसा बेटा दे, मुझे अपने मोमिन पर मान है। ईमान आपको मुझ पे नहीं अपनी तबीयत पे आता, जिसकी वजह से आज तक मैं किसी के सामने नाथ नहीं हूं। जी चलो बेटा।